हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डबस्टर रोहन पर। मेरा फर्स्ट ब्लॉग आज आधारित है लाइव डबिंग पर, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं कैसे लाइव डबिंग करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमने छोटे से डबिंग रूम की ओर, तो चलिए चलते हैं। यह मेरा एक छोटा सा डबिंग सेटअप जिसमें आपको दिख रहा है एक माइक और एक फोन। दोस्तों यह है एक माइक और एक पॉप फिल्टर। दोस्तों ये पॉप फिल्टर मैंने ही बनाया है। कभी कभी डबिंग करते समय क्या होता है कि फॉर भाव का साउंड बहुत अजीब सा साउंड करता है दोस्तों, इसलिए पॉप फिल्टर बनाने की जरूरत पड़ी। और यह एक फोन जिस पर वो वीडियो चलती है जिसको डब्ड करना है, और ये एक कॉपी जिसमें डायलॉग लिखे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डबिंग के लिए तैयार, आज जिन मूवी के हम हिंदी डायलॉग डब्ड करेंगे वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेलते हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। मैं तो नारायण की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब से एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जीत के बीच अब जंग का ऐलान है। एनी टाइम, Anywhere, anybody. I am ready. मुझे कैसे बुलाया तूने? रोलेक्स, रोलेक्स, सर, ऑब्सेस सर, यस सर, ओके सर, जस्ट सर, यस सर। शेर शिकार पर निकले तो जंगल खुशहाल होना चाहिए, जब शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। अब से आराम, खत्म, रूल इन दिस जंगल। जो भी भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वापस से शुरू करूंगा स्क्रैच से, कल डे वन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये डबिंग वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको एक बात खटक रही होगी कि भाई के आवाज में तो बेस है नहीं, तो डबिंग में तो बेस कैसे? तो दोस्तों कुछ प्रैक्टिस और कुछ एडिटिंग का स्किल्स है दोस्तों, जैसे कि आपको एक सामने एक डबिंग करके दिखाता हूँ एक हाई बेस पर। ब्रह्मांड में विराज करने में इतना मजा नहीं है जितना पृथ्वी में तबाही मचाने में है। और एक लो बेस पर, थैंक्स, मोर फॉर लैंडिंग कर सकता है लेकिन सूट थोड़ा नया है इसलिए एडजस्ट रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, सूट एकदम परफेक्ट है। हिंदी डब ट्रेलर देखते लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों।